दोस्तों संजना भट्ट के सारे गांव पास से निकलते ही उन्हें एक बहुत ही बड़ा ऑफर मिल गया। संजना भट्ट को सारे गांव पास से निकलते ही सबसे पहला और सबसे बड़ा ऑफर मिल गया। हाँ दोस्तों, अब की बार संजना भट्ट को ये पहला ऑफर ऐसे शख्स से मिला है और दोस्तों बहुत ही बड़ा ऑफर मिला है जो संजना भट्ट की जिंदगी का सबसे बड़ा ऑफर है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि संजना भट्ट को सबसे पहला ऑफर क्या मिला है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप संजना भट्ट को थोड़ा सा भी पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर दो, जिससे आपको संजना भट्ट से रिलेटेड खबरें सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों जैसे कि सारे गामापा तो समाप्त हो गया, लेकिन दोस्तों सारे गामापा की यादें संजना भट्ट को अभी भी याद आ रही हैं। और दोस्तों संजना भट्ट सारे गामापा की बिना नहीं बनी, लेकिन दोस्तों संजना भट्ट को सारे गामापा में ही बहुत सारे ऑफर मिल गए। और दोस्तों एक तो ऑफर संजना भट्ट को हिमेश रेशमिया ने दिया था, और दोस्तों हिमेश रेशमिया का संजना भट्ट का ऑफर सबसे पहला ऑफर था, जो दोस्तों संजना भट्ट का ऑफर इस महीने होने वाला है पूरा। हाँ दोस्तों इस हफ्ते संजना भट्ट का वो ऑफर पूरा हो जाएगा। दोस्तों इस हफ्ते संजना भट्ट का सॉन्ग हिमेश रेशमिया की एल्बम में आ जाएगा, जो दोस्तों बहुत ही धमाल मचाएगा वो सॉन्ग संजना भट्ट का, और बहुत ही ट्रेंड में रहेगा संजना भट्ट का हिमेश रेशमिया की एल्बम में न्यू सॉन्ग। और दोस्तों आपको बता दें कि संजना भट्ट को और कौन सा ऑफर मिला है। तो दोस्तों संजना भट्ट का अगर हिमेश रेशमिया की एल्बम में गाना हिट होता है तो दोस्तों उनको बहुत सारे जो सॉन्ग मेकर होते हैं उनसे दोस्तों ऑफर आने लगेंगे। हाँ दोस्तों हिमेश रेशमिया की एल्बम में अगर संजना भट्ट का गाना हिट हुआ तो दोस्तों संजना भट्ट को बहुत सारे ऑफर मिलेंगे, वो भी दोस्तों सॉन्गों के। हाँ दोस्तों बड़े बड़े मेकर जो सॉन्ग बनाते हैं दोस्तों वो देंगे संजना भट्ट को बहुत सारे ऑफर, जिससे दोस्तों संजना भट्ट की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, संजना भट्ट बहुत ही बड़ी सिंगर बन जाएंगी। तो दोस्तों संजना भट्ट का पहला ऑफर तो हिमेश रेशमिया की एल्बम में है, देखते हैं दोस्तों दूसरा ऑफर किसकी एल्बम में आता है। उससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपको संजना भट्ट से छोटी खबर सबसे पहले बताते रहें।